हेलो गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि एक सीआरटी टीवी के अंदर नया किट किस प्रकार से डाला जाता है, किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सारे जो प्रोसेस होता है और आपको कौन कौन सा चीज़ ध्यान में रखना होगा और इसके अंदर से मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो किस प्रकार से आपको मॉडिफाई करके लगाना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में विस्तार से बताऊँगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास जो यूनिवर्सल चाइना किट है सीआरटी टीवी का, देख सकते हो बेस्ट ऑफ कंपनी का और ये मार्केट में सबसे अच्छी में किट है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा हूँ कि रिव्यू वीडियो की इस सीआरटी किट के बारे में, तो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए हमारे इस किट के साथ साथ हमें क्या मिलता है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले देख सकते हो एक रिमोट है और उसके बाद कुछ केबल्स है जो कि हमारे इस टीवी के अंदर लगेंगे, कुछ केबल ऐसा भी है जो कि इसके अंदर पहले ही लगा हुआ है, तो हम इसको बाद में देखेंगे कि कौन कौन सा जो किट है वो हमारे इसमें लगेगा। उसके बाद एक पावर केबल इसके साथ आपको मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये किट है। तो इसको इंस्टॉल करने का जो तरीका है, मैं आपको इस टीवी के अंदर ये जो देख सकते हो सीआरटी टीवी है तो इसका जो किट है ये बिल्कुल ही डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो इसके जगह पे हमें नया वाला ये किट इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कहीं पे आपको सोल्डरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सिंपल सा काम है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा वायर को कनेक्शन करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो किसी भी सीआरटी टीवी के अंदर नया किट डालने से पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा वो है पिक्चर ट्यूब का जो बेस सेक्शन होता है, उस बेस सेक्शन के अंदर जो बेस लगा हुआ रहता है वो कितने पिन का होता है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके किट के अंदर जो भी बेस लगा हुआ है ये 10 पिन का है या कम है, तो ये सबसे पहले आपको देखना होगा क्योंकि हमारे पास जो भी किट है इस किट का जो बेस है और इस पिक्चर ट्यूब का जो बेस है ये बिल्कुल सेम है, इसलिए हमें इस बेस को यानी कि यहाँ पे जो बेस लगा हुआ है इसको चेंज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पिक्चर ट्यूब के अंदर ये बेस यानी कि पिन जो है वो कम हो या ज़्यादा हो तो आपको पुराना वाला जो भी बेस है उस बेस को खोलने के बाद आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके लिए क्या करना होगा, इसको आपको बाहर निकल देना होगा और नीचे इसके नीचे और भी जो देख सकते हो यहाँ पे होल्ड किया हुआ है तो वहाँ पे वो फिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो उसके बाद आपको जो करना होगा कि इसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए वायर होता है उस वायर को आपको लगाना होगा। यहाँ पे देख सकते हो चार पॉइंट हमारा किया हुआ है, ये देख सकते हो हमारा वर्टिकल के लिए, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए है। तो आपको इन दोनों ये जो चार वायर है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया हमारा दो कनेक्शन। उसके बाद हमारा तीसरी जो सबसे कॉमन कनेक्शन है वो है कि हमारा ईएसटी कैप का कनेक्शन। ये ईएसटी कैप को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से लगाना होगा ताकि जब आप इसको पावर दोगे तब इसके अंदर से लीकेज नहीं होना चाहिए। तो आपको कहाँ पे लगाना होगा, इस जगह पर। तो मैंने इसको सबसे पहले क्लीन कर चुका हूँ पहले ही और क्लीन करने का जो थोड़ा सा स्टोरी में मैंने डाला था तो काफ़ी सारे लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया है। उसके बाद आपको जो करना होगा ग्राउंड यानी कि ये जो हमारा बॉडी का ग्राउंड है, पिक्चर ट्यूब का जो ग्राउंड का बॉडी है ये आपको किसी भी हालात में भूलना नहीं होगा। अगर आप इसमें गलती से भी भूल कर दिया या गलती से भी इसको ग्राउंड करना भूल गया तो आपका पिक्चर ट्यूब और पिक्चर ट्यूब के साथ साथ आपका जो नया मदरबोर्ड है ये भी ख़राब होने का चांसेस रहेगा। तो ये हो गया हमारा चार सबसे कॉमन जो कनेक्शन है और आपको पता होगा कि हमें तो पावर आपको देना ही होगा। और उसके बाद हमारे एक डिगोजिंग जो कॉइल होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो हमने जो चार कनेक्शन बताया यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए एक एक करके सभी जो कनेक्शन है मैं कर देता हूँ। सबसे पहले इस बेस को हम सही ढंग से और सही तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद बाकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो भी कनेक्शन है वो हम करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ और आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको धीरे धीरे बताते चलता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि
जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, और जो भी वीडियो मिलेंगे सभी के सभी आपको बिल्कुल 100% सही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलिए हम लगा देता हूँ ये जो हमारा ESD कैप है, ये देख सकते हो ESD कैप। इस ESD कैप को लगाने से पहले आपको अपने जो पिक्चर ट्यूब है इसको डिस्चार्ज कर लेना होगा, और डिस्चार्ज करने का जो तरीका है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास बड़ा वाला जो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर होती है, इस स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए भी आप डिस्चार्ज कर सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले ही डिस्चार्ज कर चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है इसके अंदर, इसलिए मैंने पहले इसको डिस्चार्ज कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्चार्ज करने का जो तरीका है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस प्रकार से इंसुलेटेड वाला आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है दोनों साइड, ताकि आपका जो हैंड है वो मेटल के साथ टच ना हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रखना होगा और इस प्रकार से, और उसके बाद दूसरे जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है इसको लेके आपको कहीं पे भी ग्राउंड पे टच करना होगा, जैसे कि मैं ग्राउंड पे टच कर रहा हूँ, देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जो कैमरा है इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, और उसके बाद इस प्रकार से हम ग्राउंड पे ग्राउंड के साथ टच करेंगे, देख सकते हो कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो पिक्चर ट्यूब है इसको डिस्चार्ज कर लेना है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो हमारा ESD कैप को लगाना। तो सबसे पहले ESD कैप को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और लगाने का जो तरीका है आई थिंक आप अगर आप मुझे पहले फॉलो करते होंगे पहले से तो आपको पता होगा, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार से मैं इसको डाल रहा हूँ भी तो अंदर, ये देखिए। उसके बाद क्या करना होगा, इस कैप को ऐसे लगाना है ताकि हमारा आसपास कोई भी लीकेज ना हो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लग जाए, और इसके अंदर से जो भी हमारा स्पार्किंग या वोल्टेज या सिग्नल जो भी होता है इसके अंदर वोल्टेज, वो वोल्टेज किसी भी कीमत में बाहर ना आ पाए, इस प्रकार से आपको लगा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपको सोल्डरिंग करना होता है। तो हमारे इस किट के साथ हमें जो हम कुछ वायर वगैरह मिला था, इसके अंदर से हमें इस पिक्चर ट्यूब को कनेक्शन करने के लिए ये वाला वायर, यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको खोल देता हूँ, इसको इस तरह से खोल के जो हमें सबसे काम आएंगे, ये देखिए ये वाला जो वायर है आपको ले लेना है, और आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कौन सा कहाँ पे ये है लगाना है। तो मैं एक एक करके सोल्डर कर देता हूँ कहाँ पे कौन सा लगाना है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा चार वायर है, ये जो रेड और ये जो हमारा ब्लू है, ये जो दो वायर है ये एक साथ रहेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी है, और उसके बाद ये हमारा दोनों, ये दोनों पेयर, मतलब अगर आप इस वाइड वाले को रेड के साथ कनेक्शन कर दोगे तो आपका पिक्चर ट्यूब भी ख़राब हो सकता है, आपका मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है, या ये जो ब्लैक वाला वायर है, यानी कि ये जो ब्लैक वायर है इसके साथ आप रेड को आप जोड़ दोगे तब भी ये ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रहना होगा ये जो रेड है और ये जो ब्लू है ये एक साथ लगाना होगा, और ब्लैक और ये जो वाइट है ये आपको अलग से लगाना होगा। किसी किसी किट के साथ हमें ये जो ब्लैक और वाइट जो वायर है इसका जो कलर आपको अलग भी मिल सकता है, लेकिन आपको हर एक किट के अंदर ये जो रेड और ब्लू वाला वायर है ये आपको सभी सेम मिलेगा इन दोनों को, और उसके बाद इन दोनों को आपको मिलेगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी से सोल्डर कर देता हूँ, और उसके बाद आगे का जो कनेक्शन है हम आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए आपको अब कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारा रेड वायर है, इस रेड वायर हमारा होता है जो हमारा पिक्चर ट्यूब के अंदर जो स्क्रीन होता है उसका जो साइड का दोनों साइड जिसको विड्थ बोला जाता है उसको सही करने के लिए, मतलब उसके लिए ये हमारा कनेक्शन है। तो रेड वायर को आपको यहाँ पे लगा देना है, इस ब्लू वायर को हम लगाएंगे उसके बगल वाली यहाँ पे, उसके बाद हमारा और जो दो कनेक्शन है ये वाइट और ब्लैक, इस वाइट और ब्लैक को हम लगाएंगे इन दोनों जगह पर।
उसके बाद हमारे पास और एक रह जाता है वायर, और उसको आपको लगाना है जो कि एक बच गया है वहाँ पे आपको लगा देना है। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्डर कर देता हूँ। लास्ट में हमारे पास जो एक ब्लैक वायर बच रहा है इसको आपको इस जगह पर लगा देना है, यहाँ पर। तो हमारा ये जो कनेक्शन है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें आगे की जो कनेक्शन है वो हमें करना है, और वो कहाँ पे कौन सा करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये जो एक साथ ये बड़ा वाला जैक है, इस बड़ा वाला जैक को आपको यहाँ पर लगा देना है। आपको बोर्ड के अंदर जब आप खोलोगे तभी आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद ये जो एक हमारा रह गया है वायर, इसको आपको लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पिन दिया हुआ है। तो आपको 21 इंच टीवी के लिए आपको बीच में लगा देना है। अगर साइड का जो भी विड्थ होता है पिक्चर का, अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आपको एक एक करके बढ़ाना है, और कम करना है तो पीछे के साइड करना है। तो इस टीवी के लिए हमें बीच वाला जो पिन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए हम लगाएंगे बीच वाले के अंदर ही। यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें जो करना है मतलब कनेक्शन करना है वो है रिमोट का सेंसर, और उसके साथ साथ हमें कनेक्शन करना होगा। ये हमारा देख सकते हो स्विच है, इस स्विच को भी हमें लगा देना है। ये स्विच मतलब इसका जो की होता है चैनल वगैरह चेंज करने के लिए, ये भी। तो ये आपको सामने से की तरफ आपको लगा देना है। और उससे पहले आपको और एक चीज़ करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो हमारा ग्राउंड का वायर है, ग्राउंड का वायर को आपको लगा देना है यहाँ पर। तो मैं ग्राउंड का जो वायर है ये भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि हम बाद में भूल ना जाए, इसलिए अभी मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से, ताकि हमारा जो पिक्चर ट्यूब है और हमारा जो किट है ये ख़राब ना हो जाए। तो ये देख सकते हो ये सही तरीके से लग चुका है। और अब हमें जो करना है, यहाँ पर देखिए दो जैक दिया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो जैक दिया हुआ है हमारा फ्रंट पैनल और की को कनेक्शन करने के लिए, और ये जो दो जैक देख रहे होंगे ये हमारा स्पीकर के लिए है। तो स्पीकर का जैक पहले से लगा हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ पे डाल देना है, तो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे डाल के एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा टीवी जो है ऑन होता है कि नहीं, और उसके बाद ही हम ये भी जो कॉर्ड होता है ये भी कॉर्ड को लगाएंगे, और बाकी जो काम है वो हम करेंगे। ये भी कॉर्ड मतलब इनपुट सिग्नल के लिए है। और अब आपको क्या करना है, इसका एसी कॉर्ड आपको लगा देना है, जो हमारे किट के साथ ये वाला एसी कॉर्ड मिला था। तो मैं इसको रहने देता हूँ, और टीवी के अंदर जो पहले से ही लगा हुआ था मैं उसको लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पर यहाँ पे दो एक ही तरह का जो दो आपको जैक मिल जाएंगे, यहाँ पे एक देख सकते हो पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा डिगोजिंग कॉइल के लिए, और एक हो गया हमारा मेन पावर सप्लाई के लिए। आपको ध्यान रहना होगा जहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है वो हमारा हो गया एसी लाइन के लिए, और जहाँ पे फ्यूज़ नहीं है वो हो गया हमारा डिगोजिंग कॉइल के लिए। तो डिगोजिंग कॉइल आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एसी लाइन यहाँ पे दे देता हूँ, और इस टीवी को ऑन करके देखता हूँ कि हमारे टीवी के अंदर कोई भी ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और टीवी ऑन होने के बाद इसका जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी हम चेक करेंगे। तो मैं टीवी को घुमा लेता हूँ और उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब ये जो हमारे हाथ में एसी कॉर्ड है इस एसी कॉर्ड को लगा देता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे जो इंडिकेटर हमारा दिया हुआ है स्टैंड बाय का इंडिकेटर, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको घुमा लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में मदद हो जाए। तो यहाँ पे एक रेड इंडिकेटर दिया हुआ है, तो मैं इसको हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसको अंदर डाला, और उसके बाद मैं स्विच को ऑन किया। देख सकते हो हमारा जो इंडिकेटर है वो जल गया और स्टैंड बाय से रिलीज हो गया अपने आप। आप अब देखते हैं कि ये देख सकते हो कि हमारा जो टीवी के अंदर जो पिक्चर है ये बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। तो गाइस, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे टीवी के अंदर किट लगाने के बाद ये जो आप लिखा देख रहे होंगे तो वो धुंधला सा दिखाई देता है, या इसका जो मतलब सही से नहीं आता है। तो आपको क्या करना होता है कि पीछे साइड जो ESD लगा होता है, और ESD के
जो दो वायर होता है, मतलब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरा पुराना किट के अंदर से। देख सकते हो ये जो हमारी एसटी किट है, अगर आपको पिक्चर को सही से ठीक करना है फोकसिंग को, तो ये दोनों घुमा के आप फिक्स कर सकते हो। और अभी देख सकते हो इस टीवी के अंदर अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो पिक्चर है वो पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में देख सकते हो आधा आधा नहीं आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें सर्विस मोड ओपन करना होगा, और सर्विस मोड ओपन करने का जो तरीका होता है किसी भी सीआरटी टीवी के अंदर, इसके ऊपर मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला हूँ, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि किसी भी सीआरटी टीवी का मतलब सर्विस मेनू किस प्रकार से खोला जाता है, उसके बाद बाकी जो कनेक्शन है यानी कि इसका जो विड्थ है इसको कैसे बढ़ाना है, और सर्विस मेनू के अंदर जो भी फंक्शन है वो किस प्रकार से काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो हमारा ऊपर के हिस्सा नीचे के हिस्से का जो भी अभी प्रॉब्लम हमें मिल रहा है इसको ठीक करने का जो प्रोसेस है आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो दोस्तों आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि एक सीआरटी टीवी के अंदर किस प्रकार से नया किट डाला जाता है, और डालने के बाद कनेक्शन किस प्रकार से करता है, सभी के बारे में आपको जानकारी मिल गया है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको किसी भी टीवी का, चाहे वो सीआरटी टीवी हो, एलसीडी एलईडी टीवी हो, एंड्रॉयड टीवी हो, 4K टीवी हो, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.deepelectronicslab पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू गाइस, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।